Guys, welcome. This is your Sammir Kohli sir with a lecture. अब आपके exams आ रहे हैं. मैं important questions 9th class mathematics के कुछ important questions आप लोगों के साथ discuss करना चाहता हूँ. मैं आप लोगों को एक question दूंगा. आप मुझे pause करोगे और आप देखोगे कि आपसे वो question solve हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर मम्मी पापा भी इस video को देख रहे हैं तो आप check करो बच्चा वो question सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. Simple से question है. कुछ questions discuss करूंगा. Check करो और उसमें बच्चे की आप एक बार technique check कर लो. जैसे कि एक क्वेश्चन है ये एक नंबर में आया हुआ है. फैक्टर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर r. इसमें चार ऑप्शंस दी हुई है. वो ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा हूं. ये चार टर्म्स वाला जब भी होता है उनके बीच में या तो प्लस या माइनस का साइन होता है. आप मुझे पॉज कर लो. अगर खुद से कर सकते हो तो खुद से करो. जब भी चार टर्म्स वाला होता है तो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं. अगर दाल ना गले तो a प्लस माइनस b प्लस माइनस c प्लस माइनस d चार टर्म्स वाले में से क्वेश्चन मैं एक सेकंड में करा सकता हूं. फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन लेते हैं, सेकंड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं. ये वाली टेक्निक भी होती है. अब मैं अगला क्या लिखने वाला हूं आपको पता होना चाहिए. अगर चार टर्म्स होती हैं बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो फर्स्ट और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं, सेकंड और थर्ड में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं. अपने आप हो जाएगा. यहां पर हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेंगे, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे. फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, अंदर बचेगा ए प्लस बी. पहले देखो चार टर्म्स थी. पहले क्या थी, चार टर्म्स, एक दो तीन चार. अब कॉमन लेने के बाद ये हो गई दो टर्म्स, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म. अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, बच्चे ने बोला a प्लस बी और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर आपके बच्चे के ये फैक्टर्स आए हैं तो बच्चे की फैक्टराइजेशन में पकड़ है. अगर नहीं आए हैं तो ही नीड्स टू इम्प्रूव, ये याद रख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में मैं अपने आप से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं. एक ऐसे सर्कल दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, बट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है. ज्योमेट्री में ज्यादा जरूरी है कि आपको रीजन पता होना चाहिए. अगर रीजन पता है तो बल्ले बल्ले. ध्यान से, ये दे रखा है सी, ये ए, ये बी, ये ओ. इसमें दिया हुआ है इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड एंगल ए सी बी. ये क्वेश्चन से ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता. ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है. बट करने से पहले एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 70 डिग्री और ये वाला एंगल हमें निकालना है. तो बस यहां पे लिख देना एंगल ए ओ बी जो एंगल है वो ये वाली आर्क बना रही है सेंटर पे, जो कि डबल होता है इस एंगल के, इस ट्वाइस एंगल ए सी बी. फटाफट से रीजन बताओ. अगर रीजन बताते हो तो आपकी जीत होती है. तो आप बोलोगे एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. 70 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी बराबर आ जाएगा 70/2. अगर आपके बच्चे ने ओरली भी ये क्वेश्चन कर लिया है या बच्चे ओरली भी कर लिया है दैट इज वेरी गुड. बट ओरली के साथ साथ आपको इसका रीजन जरूर पता होना चाहिए. मेन जीत रीजन की है, ये बात याद रख लेना. एक क्वेश्चन और है. ये वाला क्वेश्चन शायद आपने नहीं देखा होगा. द रेंज ऑफ द गिवन डेटा. एक डेटा दिया हुआ है 70, 68, 49, 12, 15, 20 और 50. इस डेटा की रेंज बताओ. रेंज का क्या मतलब होता है समझना. रेंज मुझे भी नहीं पता. तो बच्चे ने कहा रेंज होता है सर डिफरेंस, कहां से कहां तक. जब हमने इसको देखा तो इसमें सबसे बड़ा जो आ रही है वैल्यू वो 70 है
और जब इसी को देखा तो जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो 12 है। तो जो रेंज होती है ना बेटा, रेंज हमेशा बराबर होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू है 70 माइनस 12, अब बस इस चीज को देख लो, दैट इज 58 इज द रेंज। ये याद रख लेना, ये रेंज अच्छी चीज थी, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला, ये वाला क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, आपने शुरू शुरू में किया होगा। वो बोल रहा है विच वन इज नॉट अ पॉलीनोमियल, कौन कौन पॉलीनोमियल नहीं है। 4x² + 2x - 1, सेकेंड में बोल रहा है y + 3/y, थर्ड में बोल रहा है x³ - 1, और फोर्थ में बोल रहा है y² + 5y - 1। जिनको पॉलीनोमियल का बेसिक याद हो उनको ये जरूर पता होता है, पॉलीनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल, वेरिएबल की पावर सर बस एक माइनस में ना हो, और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो, x की पावर 3/2, y की पावर 7/2 ना हो, और x की पावर -11, x की पावर -2 ना हो। यहाँ पावर्स पे नजर होनी चाहिए आपकी, पावर्स ओके है सर, पावर माइनस में नहीं आ रही, इसकी पावर 1 है, पावर माइनस में नहीं आ रही, 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 मगर सर यहां पर थोड़ा सा झोल है। पॉलीनोमियल क्या होता है, y प्लस ये पावर 1 है, बट जब ये ऊपर जाएगा 3 टाइम्स y की पावर -1 हो जाएगा, और क्योंकि पावर माइनस में आ रही है तो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं है। भाई साहब आप पॉलीनोमियल नहीं हो, बाकी सब पॉलीनोमियल हैं। इस लेक्चर का पर्पस आपके सोए हुए कंसेप्ट्स को जगाना है। मैंने कहा इनका पूरा नाम बताओ, इनका पूरा नाम बताओ और इसका पूरा नाम बताओ। अगर आप नाम बता सकते हो तो बहुत सही पोजीशन है। बच्चा बोलेगा इसका नाम है सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और टोटल टर्म्स हैं 1, 2 और 3। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इस पूरे पॉलीनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले डिग्री देखी जाती है, आपकी डिग्री 3 है तो आपका नाम है क्यूबिक बायनोमियल, क्यूबिक बायनोमियल, क्योंकि आपके अंदर 2 टर्म्स हैं। आपका नाम फिर वही है क्वाड्रेटिक, और आपके अंदर 3 टर्म्स हैं तो आपका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये बेसिक है, इसको ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आराम से चलना, कोई हाय तौबा नहीं है। अगला वो क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इस बार 1 मार्क के 20-20 क्वेश्चन आने हैं तो आ सकता है। इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x² + y² = 5, देन एक्स वाई, मुझे पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अगर करोगे तो बहुत सही पोजीशन है आप लोगों की, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए, बच्चा बोलेगा वी हैव x + y = 3, ये चीज गिवन है, और यहां स्क्वायर में मामला हो रहा है तो यहां पे एक चीज लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब यहां पर जो x + y = 3 दे रखा है, इधर भी स्क्वायरिंग होगी और इधर भी स्क्वायरिंग होगी, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a + b² होल स्क्वायर। आमतौर पे बच्चे ये 2xy लिखते नहीं है, बराबर 3 का स्क्वायर 9। अगर साथ हो और जागे हुए हो तो बच्चा बोलेगा x² + y² की वैल्यू हमारे पास है 5। सर 5 + 2xy = 9 बिकॉज x² + y² = 5, ये चीज गिवन है, तो 2xy = 9 - 5, 2xy = 4, तो xy = 4/2, 2 से 2 कैंसिल। अगर xy की वैल्यू 2 आई है तो यू आर वेरी वेल प्लेस्ड, आपकी पोजीशन बहुत 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 अच्छी है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ध्यान से देख लीजिएगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपसे अभी बेसिक बेसिक में बात कर रहा हूं, वो आपसे बोलते हैं ध्यान से और कौन सा क्वेश्चन है जो अच्छे वाले हैं वो देख रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मल्टीपल चॉइस है। वो बोलता है इफ इन अ पैरालेलोग्राम, इफ इन अ पैरालेलोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल देन इट इज अ ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी रोम्बस, ऑप्शन डी पैरालेलोग्राम। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं पैरालेलोग्राम क्या होता है। पैरालेलोग्राम वो होता है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है, जिसमें डायगोनल सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, मुझे रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये याद रख लेना। अगला आता है पैरेलल रेक्टेंगल, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर क्या होता है ध्यान से देख लेना, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये बात याद रख लेना, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये सब मैंने अपनी क्वाड्रिलेटरल वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। फिर बात आती है स्क्वायर की, जब स्क्वायर की बात होती है तो इसमें सारे फीचर्स होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं बाबू, एंड एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो फिगर जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की जो टॉप मोस्ट फिगर होती है वो स्क्वायर होती है, मगर हमारे इस क्वेश्चन में ये दे रखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो रेक्टेंगल होगा। मैं आपके कंसेप्ट्स को जगा रहा हूं, बाकी आप लोग बहुत ज्यादा सही हो, समझदार हो, नाइन्थ क्लास ने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया होगा अगर हम साथ हैं तो। अगला क्वेश्चन फिर वही गोल गोल सर्कल, ये रहा एक सर्कल, ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल में ये रहा सेंटर ओ, ये ए, ये सी, ये पी, ये बी। इस फिगर को आपने कई बार देखा होगा, ये 100 डिग्री दे रखा है, ये एरो है, एरो पे यहां पे डी दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है बी, हमें दिया हुआ है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड एंगल सी बी डी, फाइंड एंगल सी बी डी। इस एंगल को हम लोगों ने निकालना है, निकाल पाएंगे ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे छोड़ देंगे, बट ट्राई जरूर करेंगे। सर ये सेंटर पे बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, जो थ्योरम आपने अभी कराई है। सॉल्यूशन में सबसे पहले एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी, अगर रीजन नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है भैया। यहां पर रीजन लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल ए ओ सी दे रखा है 100 डिग्री बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी, तो एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 2, एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। मेन ये नहीं होता कि आपको पता है ये 50 डिग्री आ जाएगा, ये 50 डिग्री क्यों है ये पता होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो तो ये मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप देखो तो जैसे आपको ठीक लगे, मैंने क्या करा, नाउ डैश इज अ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ए बी सी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल पी प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रीजन मैंने नहीं पहले कराया तो अब लिखवाऊंगा, जो पहले कराया वो देख लेना। सम ऑफ ऑपोजिट, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कि अगर आप 50 हो तो हमने 50 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 130। धीरे धीरे एक एक रन बना के सेंचुरी बनाने की कोशिश करो। अब मैं कुछ और करने वाला हूं। मैं अब ये कुछ ऐसा कर दिया, मैंने ये जो मैंने फिगर बनाई, बच्चा बोलेगा सर आपने लीनियर पेयर बना दिया। नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं इसको देख पा रहा हूं, लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए बी सी हमारा आया है 130 प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। जैसे ही एंगल सी बी डी 50 डिग्री आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ बच्चे जो थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ले रहे होंगे, आईआईटी वगैरह की कोचिंग कर रहे होंगे, वो कहेंगे सर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, हो सकता था, बट हम एनसीईआरटी में ये नहीं लगाते। एनसीईआरटी में एक प्रॉपर तरीका होता है तो वो हम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं दैट इज ये, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जब चार वाला आता है तो हम आमतौर पे फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। अगर नहीं होता तो फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन लेते हैं, सेकंड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो फर्स्ट और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं, सेकंड और थर्ड में से कॉमन लेते हैं। पहले हम गलत चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस टू ए, माइनस का साइन कॉमन आया, b कॉमन आया, b प्लस टू ए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो इस बार हमसे गलती हो गई। फर्स्ट और सेकंड के साथ दाल नहीं गली, तो अब दाल कहां गलाएंगे? फर्स्ट के साथ थर्ड लिखा और सेकंड के साथ फोर्थ लिखा। अब जैसे ही ये लिखा तो यहां तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, यहां तो फिर भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पर सर आप फेल हो गए। जहां सर फेल हो गए वहां पर आपको अपने स्किल्स लगाने हैं। अगर स्किल्स नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपको मार सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मार सकता है इन द सेंस आपके मार्क्स लेके जा सकता है। यहां आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है टू और ए, अंदर बचा एक्स माइनस बी, जो चार टर्म्स थी वो दो में कन्वर्ट हो गई, दोनों में से कॉमन आ रहा है। अगर क्लास सात है तो एक्स माइनस बी कॉमन आ रहा है, अंदर बचा एक्स प्लस बी प्लस टू ए। ये फैक्टर्स हैं। मैं बोल सकता हूं किसी एक आधे स्कूल में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज याद कर लो, नहीं तो गड़बड़ होगी, पेपर खराब जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। एग्जाम में वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी
2:1, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन डी 4:1। ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लिखेंगे लेट ओरिजिनली रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर एंड सरफेस एरिया को ले लिया एस, तो एस बराबर हो जाएगा 4πr². इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है मेन, ओरिजिनली सरफेस एरिया ले लिया 4πr². नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर बिकम्स 2r, रेडियस बिकम्स डबल, मेरे बच्चों डबल मतलब जो r था वो बन गया अब 2r। सो ऑब्वियसली s विल चेंज टू, अब हम तो नहीं बोल सकते डबल होगा ट्रिपल होगा, हम चेक करेंगे कि क्या होगा। s विल बिकम s डैश लिख दिया, क्या लिख दिया s डैश। सो दिस इंप्लाइज s डैश बराबर होगा 4π (2r) का होल स्क्वायर, 4π (2r) का होल स्क्वायर, s डैश बराबर हो जाएगा 4π (4r² मैं 4 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं बट मैंने नहीं करा, फिलहाल शांत रहूंगा, ध्यान से ये मेरा s डैश आ गया। अब हमें निकालनी है सरफेस एरियाज की रेशोस, मतलब हमें निकालना है s अपॉन s डैश, s है 4πr² और s डैश है 4π(4r² अगर क्लास 7 है तो 4π से 4π गया, r² से r² गया, s अपॉन s डैश बराबर हो गया 1/4, तो s रेशियो s डैश बराबर हो गया 1:4, और इसका मतलब जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले फॉर्मूला याद होंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म से दुखी करता हुआ आ रहा है बट 3 या 4 नंबर में आने के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो 9th नहीं की, ये बात याद रख लेना। दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज बहुत बड़ी चीज है, ये आना चाहिए। वो कह रहा है ये ध्यान से देख लो, a प्लस √35b फाइंड a एंड b, अगर ये नहीं आता ना मैं क्या बताऊं, बस अपने बच्चों को कम से कम कितनी बार करा चुका हूं बट कहीं कोई कमी है जो नहीं कर पा रहे। ध्यान से बच्चा देखे, बच्चा देखेगा सर कुछ कुछ होता है, ध्यान से सर कुछ कुछ होता है मींस हम ये रैशनलाइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली पॉलिसी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं सर, यहां पर टेक एलसीएम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा √7 - √5 × √7 + √5। मैं चाहूंगा बच्चों मुझसे आगे चलने की कोशिश करो इस क्वेश्चन में, यहां लग जाएगा √7 + √5 × √7 + √5, तो √7 + √5 का होल स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा √7 - √5 का होल स्क्वायर। ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पॉलिनोमियल्स के 3 फॉर्मूलाज लग रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां एक आइडेंटिटी लग रही है, यहां एक आइडेंटिटी लग रही है, और एना दोना विच वी एक आइडेंटिटी लग रही है, जो यहां आइडेंटिटी लग रही है दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो यहां आइडेंटिटी लग रही है दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो नीचे लग रही है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और प्लस माइनस की गलती जहां करी, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर ब्रैकेट आपको बचाता है, कपड़े फैशन से ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन के काम आते हैं, वैसे ही ये क्वेश्चन जो है ब्रैकेट के साथ करना √7 + √5 + √2 √7 × √5 - दूसरा ब्रैकेट अगर साथ हो तो √7 + √5 - √2 √7 × √5 होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाए तो √7 - √5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इतना याद होना चाहिए
कि रूट सेवन का स्क्वायर सेवन होता है और रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है, तो सेवन प्लस फाइव प्लस टू रूट सेवन इंटू रूट फाइव बराबर होता है रूट थर्टी फाइव। अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, टू रूट थर्टी फाइव ब्रैकेट अभी भी बंद माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टू रूट थर्टी फाइव। नीचे अगर आते हो तो रूट सेवन का स्क्वायर होता है सेवन माइनस फाइव, सात प्लस पांच इज बारह प्लस टू रूट थर्टी फाइव ब्रैकेट अभी भी बंद रखना माइनस सात प्लस पांच इज बारह माइनस टू रूट थर्टी फाइव होल अपॉन सात माइनस पांच इज टू। यहां तक पहले कर लो, मुझे पॉज कर लो, मैं एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी सी मिटा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और स्टेप्स लगेंगे। फालतू की चीजें जब फालतू की नहीं है, ये काम की चीजें हैं, मुंह से गलत वर्ड निकल जाता है, शब्द ही है बेटा जो इंसान को खुशी, बहुत सारी खुशी और बहुत सारा दुख दे सकते हैं। ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा, अपने आप को बोल रहा हूं, इसलिए सोच समझ के बोलो ध्यान से। अब अंदर ब्रैकेट खोलेंगे, 12 प्लस टू रूट थर्टी फाइव माइनस 12 और ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस टू रूट थर्टी फाइव होल डिवाइडेड बाय टू। अच्छा बच्चा बोलेगा 12 से सर 12 बाय बाय, आंसर इज फोर रूट थर्टी फाइव। टू रूट थर्टी फाइव प्लस टू रूट थर्टी फाइव, जब भी गंदा लगे टू रूट थर्टी फाइव प्लस टू रूट थर्टी फाइव है तो रूट थर्टी फाइव को बोल दो केला, तो ये हो जाएगा दो केला प्लस दो केला, दो केला प्लस दो केला इज चार केला, और चार केला कितना था रूट थर्टी फाइव, सिंपल सी बात। तो फोर रूट थर्टी फाइव अपॉन टू, ध्यान से देखो तो टू वन जा टू टू जा, सो नाउ टू रूट थर्टी फाइव मेरे पास बराबर आ रहा है ए प्लस रूट थर्टी फाइव बी। अब बच्चा कहेगा सर यहां एक कांस्टेंट है, यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नहीं है तो जीरो लिख दो ना यार, जब कुछ नहीं है तुम्हारे पास हवाई जहाज कितने हैं, तो ये दुखी मत हो जवाब देना कि सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, नहीं कॉन्फिडेंटली बोल दो जीरो है यार अभी। तो अभी यहां पर एक टर्म आएगी जिसको मैं पहले हाइलाइटर से दिखाऊंगा, ये और ये और ये और ये, इसको अंग्रेजी बीट पे बोलते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स मतलब ए बराबर हो जाएगा जीरो और रूट थर्टी फाइव बी बराबर हो जाएगा टू रूट थर्टी फाइव। अगर क्लास ध्यान से देखे तो रूट थर्टी फाइव से रूट थर्टी फाइव कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी टू और ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो। इतना सिंपल है, इस टाइप का एक सवाल बच्चों आ सकता है, ध्यान से देख लेना, दिस इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं। फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ध्यान से देख रहे हो तो हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये पहले मैं बता दूं ये फिगर है, लग तो पैरेललोग्राम जैसा रहा है बट डोंट वरी, इसका ये डायगनल है, इसमें एक परपेंडिकुलर है, एक ये परपेंडिकुलर है, ए ए बी सी डी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एम एन। यहां पर वो बोल रहा है क्वेश्चन ए बी सी डी इज अ क्वाड रिलेटरल, प्रूव दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ बी डी इंटू ए एम प्लस सी एन, हाफ बी डी इंटू ए एम प्लस सी एन वेयर ए एम इज ए एम एंड सी एन आर पर पेंडिकुलर्स ऑन डायगनल बी डी, आर पर पेंडिकुलर्स ऑन डायगनल बी डी। क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए है, आपने डरना नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होना चाहिए ये। इस ट्राइंगल का एरिया प्लस लो, ये जो ट्राइंगल जिसपे मैं रेड डॉट्स लगा रहा हूं, ये ट्राइंगल का एरिया लो सर, और ये ट्राइंगल का एरिया लो, और दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स के एरिया प्लस होंगे आपका एरिया आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ डी बी सी, अगर स्टाइल मारूं तो हाफ ए बी डी का एरिया जो है वो होगा हाफ बेस हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट, हाइट इज ए एम, प्लस हाफ डी बी सी का एरिया होगा, अगर डी बी सी की बात करूं तो बेस फिर वही है हाफ इंटू बी डी इंटू, अगर क्लास देख रही है तो सी एन, कुछ और था ही नहीं। बच्चा कहेगा सर मुझे क्या दिख रहा है, हाफ दिख रहा है और बी डी दिख रहा है जो कॉमन आ रहा है, मीन्स हाफ बी डी इज कॉमन, अंदर बचा ए एम प्लस सी एन। जब ये वाले क्वेश्चन बिना किसी की मदद के खुद निकलते हैं ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी होती है, बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अगर एक क्वेश्चन आपने किया है तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आने के चांसेस कम है बट कुछ स्कूल्स में आ सकता है, अ बैग कंटेन्स, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, ध्यान से देख लेना। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, इफ सिक्स मोर white balls are added to the bag and the probability of getting a white ball now becomes double the previous one, find the value of x। ये 10th क्लास के भी कुछ बच्चे शायद ये क्वेश्चन ना कर पाए, आई एम नॉट, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कुछ 10th के बच्चे भी इस क्वेश्चन को शायद ना कर पाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना, अगर कर सकते हो तो जरूर करना ध्यान से। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले टोटल बॉल्स, और अगर बहुत तगड़े हो तो यहां लिख दो इनिशियली, क्योंकि यहां पे दो कंडीशन है, इनिशियली टोटल बॉल्स हैं 12, वाइट बॉल्स हो गई कितनी एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हो जाएगी, आप इंग्लिश में लिखोगे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो हैं दैट इज एक्स अपॉन टोटल नंबर बॉल्स क्या हैं 12। ये करके आपको चार नंबर का क्वेश्चन है, तो एक नंबर तो पक्का हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिक्स मोर वाइट बॉल्स आर एडेड, जैसे ही छह और वाइट बॉल्स डली हैं तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स हो गई पहले 12 थी प्लस 6 अब हो गई 18, और वाइट
balls now. White balls अब कितनी हो गई? पहले x थी जिसमें 6 और डाल दी तो ये आ गई. अब क्या probability of white balls now, अब वाली probability हो जाएगी number of white balls upon total number of balls. अगर अच्छे हो तो number of white balls अब कितनी है x plus 6 upon total number of balls कितनी है 18. अब question में से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं. वो कह रहा है that the probability of getting a white ball now is double than the previous one. Is double than the previous one मतलब probability जो second equation की probability है is double probability of first equation की probability. कि अब white ball के आने की probability अब double है पहले white ball आने की probability के. क्यों? क्योंकि white balls डाली गई हैं तो white ball के आने के chances भी बढ़ जाएंगे. Find the value of x. अब आपको अपनी calculation दिखानी है. 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 3 जा x plus 6 is equals to 3x. तो x minus 3x is equals to minus 6 minus 2x is equals to minus 6. तो x की value आ जाएगी minus 6 upon minus 2. x की value मेरे बच्चों आ जाएगी 3. So the value of x is 3. मैं नहीं कह रहा ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि इन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने की कोशिश करी है. अगर आप लोग साथ हो तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था. एक क्वेश्चन मैं और भी देख रहा हूं, मेरा मन ललचा रहा है. मैं कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूं बट समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर में जितने क्वेश्चंस कराए हैं, जो आपसे हो गया है उसे एक बार करो, जो आपसे नहीं हुआ उसे दो बार करो. और क्वेश्चन में नाइंथ में नंबर लाने के लिए क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन की सही रीजनिंग करना. अगर रीजन सही नहीं है तो मजा नहीं आएगा बाबू. थोड़ा सा ध्यान देके चलो फिलहाल के लिए. और समीर सर सेइंग यू गुड बाय एंड प्लीज पढ़ लो. मां-बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, दे ट्राई एवरीथिंग, फिर मां-बाप और टीचर्स आपस में वो ताली बजाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है. मेन ताली बजानी है आप लोगों ने, मेन पढ़ाई करनी है आप लोगों ने. 80% इज यू, 20% इज मी एंड योर पेरेंट्स. तो थोड़ा सा ध्यान दे लो यार. मेक लाइफ अ हैप्पी जर्नी. थैंक यू.